हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे M2Wear ऐप से कनेक्ट करोगे। तो गाइस, M2Wear ऐप के दो वेरिएंट है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो एक M2Wear ऐप 12 MB का, एक M2Wear ऐप है 54 MB का। तो यहां शो नहीं हो रहा है एक्चुअली। तो दूसरा जो M2Wear ऐप है वो 54 MB का है। तो जो आपको बड़ा वाला M2Wear ऐप है वो इंस्टॉल करना है। जो कम वाला M2Wear ऐप है उसमें पूरे फीचर्स वर्क नहीं करते हैं। तो जिसकी मेमोरी ज़्यादा है, 52 MB वाला M2Wear ऐप आपको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। तो इस M2Wear ऐप में पूरे फीचर्स वर्क करते हैं। तो अब मैं हर एक चीज़ को एग्री कर दूंगा और आपको यहाँ ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना है ताकि वॉच फ़ोन से कनेक्ट हो पाए। तो यहाँ मैं हर एक चीज़ को एक्सेस दे दूंगा पहले। तो अब यहाँ ये आपको लॉगिन करने को बोलेगा, पर आपको यहाँ नीचे डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। इस पर टिक मार्क करना है और डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं करना है इसको। और 8 सेकंड्स में ये जो आपकी आईडी है ये स्टार्ट हो जाएगी और आपको इसको ओके करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और यहाँ आपको नाम डालना ज़रूरी है, बिना नाम के आप इसको लॉगिन नहीं कर पाओगे। और यहाँ आप अपना पूरा डाटा डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा डाटा डालोगे तो हर एक चीज़ एक्यूरेट आएगी। क्योंकि अगर आपकी वेट या फिर एज के हिसाब से पूरा डाटा आता है। अब जैसे कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपकी हाइट क्या है, उस हिसाब से पूरा डाटा इसमें लॉगिन होता है। तो अब मैं सर्च कर रहा हूँ स्मार्ट वॉच को पहले। तो आपको यहाँ देखेगा सीरीज 7। तो हमें सीरीज 7 से कनेक्ट करना है। जो दूसरी वॉच है वो फॉसिल जेन 8 है। तो मैं सीरीज 7 से कनेक्ट करूँगा। तो अब ये वॉच कनेक्ट हो जाएगी। आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है अपनी वॉच में। आपके कोई भी वॉच से कनेक्ट कर सकते हो M2Wear ऐप से, जिसमें रिकमेंडेड है कि वो M2Wear ऐप से कनेक्ट हो सकती है उसको। तो अब आप देखोगे तो यहाँ M2Wear ऐप खुल चुका है। तो आपको यहाँ सबसे पहले स्टेप्स देखने मिलेगा कि आपने कितने स्टेप्स लिए थे, आपका टारगेट क्या है। और आप तो जैसे ही दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको वॉकिंग, रनिंग, ये सबका वर्कआउट के फीचर्स दिखेंगे। और आप यहाँ जाओगे तो यहाँ आपको वॉलपेपर्स मिलेंगे पूरे। आप इसमें से कोई भी वॉलपेपर डाल सकते हो। अलग अलग कैटेगरी के यहाँ वॉलपेपर अवेलेबल है। तो कोई भी वॉलपेपर अपनी वॉच में डाल सकते हो आप यहाँ से। मैं वॉलपेपर का आपको और डिटेल में बता दूंगा। अभी आप देखोगे तो यहाँ सीरीज 7 कनेक्टेड है। जो वॉच में टाइम सिस्टम है 24 आवर्स का सिस्टम है। आप उसको 12 आवर्स पे भी कर सकते हो और वापस 24 आवर्स पे भी कर सकते हो। 24 आवर्स मीन्स 19। जैसे कि अब आप देखोगे तो अभी बज रहे 7 o'clock, पर 19 में 24 आवर्स फॉर्मेट में आ जाता है। और आप बता सकते हो वो कि ऐप को, कि आपने वॉच कौन से हाथ में पहनी है, क्योंकि इससे आपका डाटा एक्यूरेट आता है। यहाँ से आप वॉच को फाइंड कर सकते हो। और आप वॉच का पूरा डाटा अपने फ़ोन में ले सकते हो, उसको सिंथेसिस बोलते हैं, जिससे आप वॉच में पूरा डाटा ले सकते हो। और ये वाले फीचर से अगर आपकी वॉच का डिस्प्ले ऑफ है और आप बिना वॉच को हाथ लगाए वॉच का डिस्प्ले ऑन कर सकते हो, तो ये फीचर वो है कि आप बिना वॉच का डिस्प्ले हाथ लगाए, वॉच का बटन हाथ लगाए डिस्प्ले ऑन कर सकते हो। और जो कैमरा का फीचर है उसमें आपको अलाउ करना पड़ता है परमिशन में जाके। तो कैमरे वाले फीचर में आप देखोगे तो बैक वाला कैमरा ऑन है। अब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा वॉच के डिस्प्ले पे तो फ़ोन में फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ आप क्लिक करोगे फ़ोटो क्लिक होती है और गैलरी में सेव हो जाती है। तो ये फीचर भी काफ़ी अमेजिंग है। फिर आप अपने कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो उसमें, जो जो आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए वो। और फिर यहाँ से आप सिस्टम अलाउ कर सकते हो कि आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, और फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, वेदर पुश मतलब वॉच में पूरा वेदर आ जाएगा, और पावर सेविंग मोड ऑन कर सकते हो। और हार्ट रेट सेटिंग्स में आप ये ऑन कर सकते हो कि वॉच ने कितनी देर में आपकी हार्ट रेट लेनी चाहिए। और ऐसे नोटिफिकेशंस और रिमाइंडर्स भी ऑन हो जाते हैं। और यहाँ अगर आप मी पे जाओगे तो आपको नाम मिलेगा, पर्सनल डाटा और आपने कितने स्टेप्स लिए थे। तो अब मैं वॉलपेपर की बात करूँगा। तो गाइज, अब ये वॉच जो है ना, इसमें ना कुछ कुछ फीचर्स ज़्यादा ओपन हो जाते हैं ऐप के। अब T55 Plus से आप खोलोगे तो आपको डायल मॉल नहीं खुलेगा, आपको ये खुलेगा मी वॉलपेपर।
जो कि माय डाइल वॉलपेपर है, और एक खुलेगा कि आप अपना खुद का वॉलपेपर कैसे लगा सकते हो, मतलब कस्टम वॉलपेपर। तो माय डाइल में आपको फोटो देखने मिलती है, पर डाइल मॉल कुछ कुछ वॉचेज़ में खुलता है और कुछ कुछ वॉचेज़ में नहीं खुलता है। डाइल मॉल में बस आपको फ़ोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से सेट पे करना है। 30% तक जो फ़ोटो है वो फ़ोन में डाउनलोड होगी और 30 के बाद वॉच में अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी फ़ोटो। तो आप देख सकते हो कि इसमें फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, तो आप कोई भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। और डाइल मॉल को लोड होने के लिए इंटरनेट लगता है, तो आपको नेट ऑन रखना ज़रूरी है, नहीं तो डाइल मॉल में आपको पूरे वॉलपेपर्स देखने मिलते हैं और आप इसमें कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हो। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलती है, उसमें से आप कोई भी एक वॉलपेपर अपनी वॉच में सेट कर सकते हो, और इसमें बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं। और माय डाइल में आप देखोगे तो आपने अभी तक डाइल मॉल से जितने भी वॉलपेपर सेट किए थे वो माय डाइल में आते हैं। और यहाँ जो थर्ड फीचर है उसमें आपका कस्टम वॉलपेपर का ऑप्शन है, जिसमें आप जैसी आप डाइल बैकग्राउंड पे जाओगे तो गैलरी खुल जाएगी और गैलरी से आप कोई भी फोटो ले सकते हो। तो मैं आपको एक फ़ोटो लेके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाली फ़ोटो ली है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कंप्लीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो बॉक्स बन के आ जाता है, तो आपको कहाँ से कहाँ तक फ़ोटो लेनी है आप वो सेट कर सकते हो। फिर जैसी ऑन करोगे तो यहाँ आप क्लॉक को कहीं भी रोटेट कर सकते हो, कहीं भी घुमा सकते हो, तो मैं इसको लेफ्ट में रखूँगा। और यहाँ से कलर सेट कर सकते हो, तो मैं पर्पल कलर रख लेता हूँ इसमें। और रीसेट करोगे तो फ़ोटो वापस रीसेट हो जाएगी, जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो जो फ़ोटो है वो यहाँ अपलोड होना स्टार्ट हो जाती है। और आप देखोगे तो फ़ोटो इसमें अपलोड हो चुकी है और बिल्कुल HD और अमेजिंग में आई है। तो आप कोई भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो बहुत ही इजीली और अपनी वॉच में सेट कर सकते हो। तो गाइस ये थे पूरे फीचर M2 Wear ऐप के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।